हेलो एवरीवन, पुरुष क्रिएटिव फूड लैब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक फिर नई रेसिपी लेके आए हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक खीर की रेसिपी है। जी हाँ, ये आप व्रत में भी खा सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना की खीर। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बनाते हैं साबूदाना की खीर। साबूदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट वाला मिल्क गरम करने रखा है। इसमें एक उबाला आ जाए फिर इसके अंदर हम जो साबूदाना है, मैंने यहाँ पे 1/2 कप जितना साबूदाना भिगो के 1 डेढ़ घंटे के लिए भिगो के फिर इसे इसमें से पानी निकाल के रख दिया है। एक बार एक उबाल आ जाए इसके बाद इसके अंदर हम साबूदाना डालेंगे। ये देखिए उबल रहा है हमारा मिल्क। एक उबाल आ जाए इसके बाद इसके अंदर हम ये साबूदाना जो हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। और इसे साबूदाना डालने के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे हम चलाते जाएंगे, क्योंकि साबूदाना कभी कभी डालने से दूध फट जाता है। इसके लिए आप इसे दूसरा उबाल आए तब तक इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहे और नीचे तक मिक्स करें, क्योंकि नीचे तलवे पर इसका मिल्क लग नहीं जाए। तो एक ये देखिए दूसरा उबाल भी आ गया है। अब इसे हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देते हैं, हाई पर से मीडियम टू स्लो वाला। और अब इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही हम पकाएंगे। इसके बाद की प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ जब तक ये उबल रहा है। खीर में डालने के लिए यहाँ पे मैंने शुगर ली है, ये 3/4 कप जितनी है। आप अपने हिसाब से शुगर ले सकते हो, ज्यादा या कम कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है जिसे मैंने काट लिया है लंबा लंबा। ये किशमिश है, ये है कैश्यूज और ये है बादाम। ये सारी चीजें मैंने काट के रख दी है। ये है कार्डमम पाउडर और ये है हमारा केसर जिसे मैंने गरम दूध में भिगो के रख दिया है सैफ्रन को। ये जो हमारी खीर उबल रही है इसके अंदर मैं ये किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फूल जाए इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे कैश्यूज और ये है आलमंड। ये जो हमने केसर भिगो के रखा था मिल्क में वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक शुगर पिघल जाए। इसके बाद इसे अच्छे से उबालेंगे जब तक ये थोड़ी ठीक हो जाए। और लास्ट में हम इसके अंदर कार्डमम पाउडर डालेंगे। ये देखिए हमारी खीर अच्छे से पक गई है। ये जो साबूदाना है वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ये खीर भी हमारी ठीक हो गई है। इसे अब सर्व कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसके अंदर हम कार्डमम पाउडर लास्ट में डाल देते हैं, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम सर्व करने के लिए निकाल देंगे। देखिए खीर हमने रेडी कर दी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे हम इसका लुफ्त उठाएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आपके कमेंट्स मुझे पूर्वी क्रिएटिव फूड लैब पे लिखकर जरूर भेजें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।